आजकल खुद को फिट रखने के लिए लोग फैंसी डाइट अपना रहे हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इनमें से एक है। इसमें एक लंबे वक्फे तक भूखे रहने के बाद कुछ खाया जाता है। हालांकि हाल ही में आई अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिसर्च रिपोर्ट में इस डाइट को लेकर खबरदार भी किया गया है। बताया गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं और इतना ही नहीं, इससे जान का खतरा भी हो सकता है। रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोग जो दिन भर में सिर्फ 8 घंटे की ईटिंग विंडो को फॉलो करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज से मौत का खतरा 91% तक बढ़ जाता है। दिल के मरीजों में 8 से 10 घंटे रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉलो करने से 66% तक हार्ट की बीमारी या स्ट्रोक से मौत का खतरा बढ़ जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इन दिनों लोग काफी अपना रहे हैं, लेकिन इसके बुरे प्रभाव भी हो सकते हैं, क्योंकि एक स्टडी में ये पाया गया है कि अगर आप बहुत लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपको इससे दिल की बीमारी हो सकती है और ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। आज के ज़माने में लोग फिट रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते, क्या कुछ तरीके नहीं अपनाते हैं, तमाम तरह के ऐसे क्रैश कोर्सेज करते हैं, क्रैश डाइट्स करते हैं, ताकि वो अपने आप को फिट रख सकें और दुनिया के मुताबिक चल सकें। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की डाइट्स नुकसानदेह भी साबित होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके की डाइट नुकसानदेह साबित होती हैं और इतने बड़े पैमाने पर लोग उन्हें फॉलो करते हैं, तो उन्हें आने वाले दिनों में इसका नुकसान भी झेलना पड़ता है। और जिस तरीके से हम इन दिनों देख रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं और एक एज लिमिट से ज्यादा हम देख रहे हैं कि लोग इस चीज को कर रहे हैं, क्योंकि जो कम उम्र के लोग हैं वो भी इससे काफी मुतासर हो रहे हैं, वो बहुत अहम है यहाँ पर। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग से दिल की बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ता जा रहा है और इतना ही नहीं, इससे आपकी जान तक जा सकती है। एक स्टडी में ये पाया गया है। रिसर्च के मुताबिक ऐसे लोग जो दिन भर में सिर्फ 8 घंटे की ईटिंग विंडो फॉलो करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज से मौत का खतरा 91% ज्यादा होता है।